हेलो गाइस, दिस इज डे 6 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज, कितने एमसीक्यू, 500 एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम हर डे में कितने क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन आपके करेंगे। और ये 50 डेज की सीरीज है, जो कि हमने क्या करा है कि इस 50 डेज में हम कितने क्वेश्चन कर देंगे आपके, 500 एमसीक्यू। ये क्वेश्चन आपके लिए 11, 12, अगर आप बैचलर्स में हैं, अगर आप मास्टर्स में हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बेसिक्स डेवलप करेंगे। और चाहे आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आईआईटी गेट की, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्लूड ऑल ऑफ दिस टाइप ऑफ द मेमोरी एक्सेप्ट। लॉन्ग टर्म मेमोरी सारी मेमोरी को एक्सेप्ट करती है, सिवाय किसके। अगर आप देखोगे, सिमेंटिक मेमोरी भी होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी भी होती है, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी भी होती है, वर्किंग मेमोरी ये नहीं होती। यानी कि यही आंसर है। वर्किंग मेमोरी क्या है? वर्किंग मेमोरी एचटीएम को ही हम, दूसरा नाम क्या है आपका, वर्किंग मेमोरी। जैसे मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्रैप वर्क, क्रैप वर्क। वर्क से हो जाएगा आपका वर्किंग मेमोरी, पी से हो जाएगी आपकी प्राइमरी मेमोरी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ए से एक्टिव मेमोरी, आर से रिसेंट मेमोरी, एंड सी स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, राइट। तो ये पांच नाम होते हैं एचटीएम मेमोरी के, जो कि अलग अलग टाइप से हम बुलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनका अलग अलग नाम है। तो वर्किंग मेमोरी को आप कॉन्शियस मेमोरी भी कह सकते हो, रिसेंट मेमोरी भी, एक्टिव मेमोरी भी, प्राइमरी मेमोरी भी, और वर्किंग मेमोरी। तो ये किसका पार्ट है? ये एचटीएम का पार्ट है, एलटीएम का पार्ट नहीं है। तो ई इज अवर द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में मैंने ये लिख रखा, और ये हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता भी रखा है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखें, उससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं, विच स्ट्रेटेजी इज केशा यूजिंग व्हेन शी रिपीट ए फोन नंबर 3 टाइम बिफोर डायलिंग। देखिए क्या कह रहा है कि केशा क्या कर रही है, एक नंबर को रिपीट करे जा रही है, बार बार क्या करे जा रही है, रिपीट करे जा रही है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रही है। इस चीज पे ध्यान देना है, क्या है कि वो नंबर को क्या करे जा रही है, बार बार रिपीट करे जा रही है, जैसे कि उस चीज को बार बार बोलते जाना, या फिर आप कह रहा कि फोन से डायल करते वक्त जैसे कि किसी ने नंबर बोला, तो हम उस नंबर को क्या करते जाते हैं, बार बार रिपीट करते चलते हैं, ताकि कि हम उस नंबर को क्या हो, भूल ना जाए। ये जो लर्निंग होती है, या फिर ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इलैबोरेट रिहर्सल। क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास ओल्ड इंफॉर्मेशन है और न्यू इंफॉर्मेशन के बीच में क्या करना, लिंक करना, राइट। तो यहाँ ओल्ड और न्यू का है कुछ नहीं है यहाँ पर। चंकिंग क्या होता है कि एक बड़े टर्म को उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि ये क्या हो सके, हम इसे मेमोराइज कर सके। लेकिन यहाँ पर ये पार्ट भी नहीं चल रहा है, वो क्या करे जा रही है, बार बार रिपीट करे जा रही है। निमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी मैंने, हमने देखा कि हमने क्या लिखा, क्रैप वर्क। अब ये क्रैप वर्क क्या है, ये क्रैप वर्क है आपका निमोनिक्स, राइट। अब क्रैप वर्क क्या है, ये आपका निमोनिक्स। तो यहाँ पर ये निमोनिक्स यूज नहीं हो रहे। मेंटेनेंस रिहर्सल इज द कॉमनली नोन एज द रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या है, अब आपने उस चीज को समझा नहीं है, ना उसे लर्न करने की कोशिश करी है, आप उसे क्या कर रहे हो, सिर्फ मगअप करे जा रहे हो, जैसा बताया है आप उसे वैसे ही करे जा रहे हो, दैट इज रोट लर्निंग। अब वो जो नंबर बताया गया है, उसको बच्चे क्या कर रहा है, केशा बार बार उसी को बोले जा रही है, ना उसे समझने की कोशिश कर रही, ना उसे रिलेट कर रही, ना ही उसने उसे ब्रेक डाउन करा है। तो मेंटेनेंस रिहर्सल इज द राइट आंसर। एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मेंटेनेंस रिहर्सल आल्सो कॉल्ड रोट रिहर्सल, आल्सो ए ब्रीफ मेमोरी ऑफ द इंफॉर्मेशन। मेंटेनेंस रिहर्सल दैट डज नॉट इन्वॉल्व एन इंटेंट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और एसोसिएटेड विद द समथिंग एल्स विल नॉट रिजल्ट इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब वो उस चीज को क्या करती है, ना ही वो रिहर्स करने की कोशिश करती है, और ना ही वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो दैट इज कॉमनली नोन एज द रोट लर्निंग। ओके, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी कंट्रीब्यूट टू वंस अबाउट द वर्ल्ड बट मे डिस्टॉर्ट इन द मेमोरीज। तो अगर आप देखोगे, देखिए ये क्या कह रहा है कि जो सारी लॉन्ग टर्म होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी,
आपकी एपिसोडिक, सिमेंटिक, प्रोसीजुलर, डिक्लेरेटिव, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये सारी जो मेमोरी का वो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन है, कंट्रीब्यूट करता है किसी एक इंडिविजुअल में या फिर हर एक इंडिविजुअल में अबाउट द वर्ल्ड बट मे डिस्टॉर्ट मेमोरी, राइट। अब अबाउट द वर्ल्ड के क्या होते हैं, कुछ आपके जर्नल नॉर्म्स होते हैं, जनरल नॉर्म्स कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हो उसे रूल रेगुलेशन कह सकते हैं। अब ये जनरल नॉर्म्स और रूल रेगुलेशन कैसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा माँ, राइट, या फिर मैंने कहा मदर, तो जैसे ही मैं माँ कहूंगा आपके माइंड में क्या आएगा, केयर, रेस्पेक्ट, लव, राइट। क्या क्या आ जाएगा आपके माइंड में, केयर, रेस्पेक्ट, लव, राइट। अब जैसे मैंने कहा मदर टेरेसा, तो आपके मन में क्या आएगा कि बहुत ज्यादा केयरिंग थी, रेस्पेक्ट थी, लव थी, ह्यूमिनिटी भी आपके मन में आ सकता है, आपके माइंड में आ सकता है, राइट। तो ये क्या है, क्या किसी ने कहा कि माँ इज रिलेटेड विद द केयर, या किसी ने कहा कि माँ को आप रेस्पेक्ट से बात करिए, या फिर माँ का जो कॉम्बिनेशन है रेस्पेक्ट के साथ है या फिर लव के साथ, राइट, किसी ने नहीं कहा है। ये क्या है, ये हमारी मेंटल फॉर्मेशन होती है अबाउट द वर्ल्ड, मेंटल फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। और ये जो मेंटल फॉर्मेशन होती है अबाउट समथिंग की, जिसको हम क्या कर लेते हैं कि जनरल नॉर्म्स है, इसे हम क्या कहते हैं आपका स्कीमा। वही तो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरीज कंट्रीब्यूट टू द वन स्कीमा, क्या बनाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द मेमोरी है वो कंबाइन करके क्या बनाता है, स्कीमा बनाता है। उस वो स्कीमा क्या करता है, एक जनरल रूल उस इंडिविजुअल को देता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक मेंटल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू वो एक पर्टिकुलर चीज पे या फिर जनरल चीज को वो क्या करता है, वो अज्यूम कर लेता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्कूल, तो स्कूल है तो स्कूल के आप देखिए किसी ने कहा नहीं है, बट आपके जनरल नॉर्म्स क्या कहेंगे कि स्कूल में आप यू शुड बी वेल ड्रेस, राइट, कि आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की ड्रेस में ही जाएंगे, दैट इज स्कीमा। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी कंट्रीब्यूट टू द स्कीमा अबाउट द वर्ल्ड बट मे ऑल्सो डिस्टॉर्ट मेमोरीज, राइट। बट लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है, जब अगर आप देखोगे कि जैसे सपोज करिए आप किसी स्कूल में गए तो आपने देखा कि वहां पर तो यार बच्चे विदाउट ड्रेस कोड के भी आ रहे हैं, या फिर कुछ मदर आपने ऐसी देखी होंगी जो बच्चों को, छोटे बच्चे को जन्म दे देते हैं बट उन्होंने उसको थ्रो कर दिया है, तो आपको सारी चीज मिलेंगी। बट क्या रहता है कि आप हमेशा क्या जाओगे, एक्सेप्शन पे नहीं जाओगे, आप हमेशा क्या रहोगे, एवरेज पर, हमेशा आप किस पर रहोगे, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, यू विल नॉट टेक एनी एक्सेप्शन केसेस। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पर हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। इंट्रैक्शन अबाउट द वर्ल्ड बट इंट्रैक्शन तो आपसे क्या होता है, इंट्रैक्शन से आपकी मेमोरी बनती है, डिस्टॉर्ट नहीं होती, और रिलेशनशिप से भी आपकी मेमोरी बिल्डअप होती है, डिस्टॉर्ट नहीं होती। तो स्कीमा इज द राइट आंसर। स्कीमा अबाउट द वर्ल्ड इंक्लूड बिलीफ बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, जो कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पास्ट एक्सपीरियंस में अगर किसी ने देखा कि भाई इस दुकान की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बेकार है, तो नो मैटर वॉट कि उस दुकान पे कितने बड़े से बड़े लोग हो जाए वो उस दुकान पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्कीमा बन गया, उसका पास्ट एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर मैंने खाना खाया था और बहुत बुरा था खाना। ओके, दिस स्कीमा इन्फ्लुएंसेस थॉट्स एंड फीलिंग एंड ऑल्सो द अटेंशन दैट इंडिविजुअल मे पे टू द सिचुएशन एंड द क्रिएशन ऑफ द न्यू मेमोरी एट टाइम्स स्कीमा कैन डिस्टॉर्ट मेमोरी, राइट। तो एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। आई नो थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, या आपको काफी ज्यादा इजी भी लग सकते हैं, या फिर आप सोच रहे कि ऐसे क्वेश्चन आपके यूजीसी में नहीं आने वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बेसिक्स आपका अगर डेवलप है, बेसिक आपका क्लियर है, तो आपको चाहे आप यूजीसी देने जाएं, चाहे आप गेट देने जाएं, या आप 11th 12th में हो, आपका बेसिक जो अगर फाउंडेशन अगर अच्छा है, तो उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं या फिर आपके जो डाउट्स मन के अंदर रहते हैं वो सारे आपके क्लियर होने में बहुत जल्दी इफेक्टिवनेस रहती है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेरी विटनेस ए रॉबरी एंड पार्टिसिपेट इन ए पुलिस इंटरव्यू टू आइडेंटिफाई द प्रिपरेटर। द नेक्स्ट डे बेरी व्यूड ए न्यूज रिपोर्ट ऑन द रॉबरी एंड हिज मेमोरी अबाउट द अपियरेंस ऑफ द प्रिपरेटर चेंज। विच मेमोरी आर डज दिस डिस्क्राइब, क्या कह रहा है कि बेरी ने एक रॉबरी देखी और वो पुलिस इंटरव्यू के साथ पार्टिसिपेट करता है कि मैंने इस रॉबरी को देखा है। अगले दिन बैरी जब जा रहा होता है तो उसने क्या देखता है, एक न्यूज देख लेता है अबाउट द रॉबरी, और जैसे वो न्यूज देखता है तो जो उसके अपीयरेंस थी, जो सोच रहा था कि भाई ये चीज मैंने देखी है,
या फिर जो उसकी मेमोरी थी वो कहीं ना कहीं क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है अबाउट द कल्प्रिट। अब वो कह रहा है कि ये जो मेमोरी चेंज हो रही है ये कौन सी एरर है, कौन सी एरर है। अब देखिए अमनीशिया तो हो नहीं सकता, वाई, बिकॉज यहां पर क्या होता है ये आपके एमिग्डाला में डैमेज होने के कारण होता है। रेट्रोग्रेड अमनीशिया, अमनीशिया का ही पार्ट है। एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड मैंने आपको बताया था। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और डीके, डीके भी नहीं हो सकता है। डीके का मतलब क्या होता है कि आपकी मेमोरी क्या होती जा रही है, फॉरगेटिंग होती जा रही है, यानी कि आप क्या हो रहे हो, भूलते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर फॉरगेटिंग नहीं आ रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, जो उसकी मेमोरी है वो क्या होती जा रही है, चेंज यानी कि डिस्टॉर्ट होती जा रही है। अब डिस्टॉर्ट हो रही है या तो दो तरीके से होते हैं, या फिर प्रोएक्टिव या रिट्रैक्टिव। लेकिन अगर उसने देखें तो अब जो न्यू इंफॉर्मेशन आई है उसके पास, न्यू जो इंफॉर्मेशन आई है वो किसको प्रेशराइज कर रही है, ओल्ड इंफॉर्मेशन को, कि कल जो आपने देखा था वो गलत है, जो आज आप न्यूज पे देख रहे हो वो क्या है, वो सही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी जिसके ऊपर प्रेशराइज होता है वो आपका इंटरफेरेंस हो जाता है। अगर न्यू इंफॉर्मेशन ओल्ड इंफॉर्मेशन पे प्रेशराइज कर रही है, ओल्ड को हम क्या लिखते हैं, रेट्रो, न्यू को हम रखते हैं क्या, प्रो। अगर ओल्ड इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, तो हो जाएगा आपका प्रोएक्टिव। और अगर न्यू इंफॉर्मेशन ओल्ड इंफॉर्मेशन को कर रही है, दैट इज रिट्रोएक्टिव। तो अगर आप देखोगे यहां पर क्या है कि उसने जो न्यू इंफॉर्मेशन आई है कल की इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है कि आपने सही देखा था या नहीं देखा था। व्हाट डज दैट मीन, कि न्यू इंफॉर्मेशन ओल्ड इंफॉर्मेशन को कर रही है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द क्वेश्चन डिस्क्राइब रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इन रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस द न्यू इंफॉर्मेशन इंटरफेयर विद द प्रीवियसली स्टोर, जो एक दिन पहले की जो मेमोरी स्टोर हुई है राइट, उस पे वो क्या कर रही है, जो न्यू मेमोरी जो अभी स्टोर हुई है वो उस पे क्या कर रही है, उस पे प्रेशराइज कर रही है कि जो आपने कल देखा क्या वो सही देखा, या जो मैं आज सुन रहा हूं या देख रहा हूं वो बेटर है, राइट, दैट इज रिट्रोएक्टिव। और अगर पुरानी इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन में प्रेशराइज करती, दैट इज प्रोएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग ड्रोन आउट कोर्ट केसेस विटनेस स्टोरीज समटाइम्स चेंज ओवर देयर न्यूमरस इंटरव्यू एंड टेस्टिफाई, विच फिनोमेना ऑफ फॉरगेटिंग में एक्सप्लेन दिस एक्सपीरियंस। वो कह रहा है कि कभी कभी जब लॉन्ग केसेस चलते हैं, आप देखेंगे कई केसेस एक एक साल, एक एक साल तो बहुत कम हो गया, 5 5 साल 10 10 साल चलते रहते हैं, तो जो विटनेस होते हैं राइट, जो विटनेस होते हैं उनकी जो इंटरव्यू होते हैं वो बहुत बार चेंज होने लग जाते हैं, जो उनकी टेस्टिफाइंग होती है दैट मीन्स जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी बहुत बार चेंज हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना होता है फॉरगेटिंग का, ये किसके थ्रू एक्सपीरियंस करा जाता है। अब देखिए यहां पर क्या बात करिए उसने कि ये क्या होता है, फिनोमिना ऑफ द फॉरगेटिंग। अब फिनोमिना ऑफ द फॉरगेटिंग होता है, एमनीशिया नहीं हो सकता, ये तो क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये कब होता है, जब आपके एमिग्डाला पर क्या हो जाए, डैमेज पड़ जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि रेट्रोग्रेड एमनीशिया एमनीशिया का ही पार्ट है राइट। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता, उसमें मैंने आपको क्या बताया, प्रोएक्टिव दैट मीन्स जो आपकी ओल्ड इंफॉर्मेशन है वो किस पे, अब न्यू इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है राइट। लेकिन क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, ये भी चला गया। डीके होना, दैट इज डीके और रिकंस्ट्रक्शन में आपको ऑप्शन में अब यहां पर चूज करना पड़ेगा। देखिए डीके का भी क्या मतलब होता है, डीके मतलब कि टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है, फॉरगेटिंग होती जा रही है। रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ जो मेमोरीज थी वो डिस्ट्रक्ट तो होगी, लेकिन आप उसके सामने क्या करते जा रहे हो, कभी आप उन चीजों को बताते तो चाह रहे हो लेकिन कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो और कभी कुछ बता रहे हो। डीके का क्या मतलब होता है कि आप कभी कुछ नहीं बता रहे, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मेमोरी है वो क्या हो गई है, फॉरगेट हो गई है। तो यहां पर उसने क्या बताया है कि देखिए कि वर्ड इज चेंज ओवर द न्यूमरस इंटरव्यू, कि समय के साथ साथ जो उसकी टेस्टिफाइंग है, जो स्टेटमेंट है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। दैट मीन्स वो क्या करता चल रहा है, रिकंस्ट्रक्ट करता जा रहा है। डीके तब होता है जब वो कहता है कि उसके समय के साथ साथ जो उसकी मेमोरी है, जो उसकी स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है, बिल्कुल कम होती जा रही है, या फिर वो कह रहा है कि बिल्कुल उसके क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। दैट इज डीके ऑफ द मेमोरी, कि अब उसे याद ही नहीं है कि क्या हुआ था 10 साल बाद राइट। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि आप फैब्रिकेट करते जा रहे हो,
अपनी जो स्टेटमेंट है उसको कभी कुछ बता रहे हो, कभी फिर कुछ बता रहे हो, राइट? दैट इज रिकंस्ट्रक्टर, आप उसमें कुछ और ऐड करते जा रहे हो. ओके, तो ऑप्शन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर भी होगा फाइव. रिकंस्ट्रक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ द मेमोरीज बीइंग अल्टर्ड ईच टाइम दे आर रिट्राइव्ड. क्या रहता है कि जब भी हम उन्हें रिट्राइव करते हैं वो क्या हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है. इन ए लॉन्ग कोर्ट केस ए विटनेस मे बी एक्सपेक्टेड टू रिट्राइव द मेमोरी रिपीटेडली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द अटैक लीडिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन एरर. तो कभी भी आपसे कोर्ट में कुछ भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कोर्ट केसेस में कौन सी एरर होती है, तो आंसर क्या होगा आपका, रिकंस्ट्रक्शन एरर. क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो विच वन, आई थिंक इट्स द सिक्स्थ क्वेश्चन. ए मेल कुलिंग स्टूडेंट स्टडीज थ्योरीज ऑफ द फिलोसफी ऑफ द माइंड बाय रीडिंग एंड द री रीडिंग द इन्फॉर्मेशन. क्या कर रहा है वो, रीड कर रहा है, फिर दोबारा उसको रीड पढ़ता जा रहा है, मतलब कि पढ़ता जा रहा है, समझने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर रहा. द स्टूडेंट इज अवेयर दैट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इज द लिमिटेड. देखिए यहाँ पर उन्होंने लिख भी दिया है कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस कंसेप्ट की क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है. विच कॉज ऑफ द फॉरगेटिंग में लिमिट द स्टूडेंट रिकॉल ऑन द एग्जाम. किसके कारण वो कह रहा है कि विच कॉज ऑफ द फॉरगेटिंग में लिमिट, किस कारण से जो स्टूडेंट की लिमिट है वो रिकॉल नहीं कर पा रही है उन सारी चीजों को, कि क्यों वो बच्चा उन सारी चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहा है. तो देखिए फॉरगेटिंग यहाँ पर डीके मीन्स फॉरगेटिंग ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, राइट? लेकिन यहाँ पर पीरियड की तो कोई बात ही नहीं करी है, टाइम की कोई बात ही नहीं करी है, डीके हट जाएगा. इंटरफेरेंस, क्या इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर, इंटरफेरेंस भी नहीं हो रहा है, इंटरफेरेंस की कोई बात नहीं करी गई है. ब्रेन इंजरी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ब्रेन इंजरी की भी नहीं करी है. बात करिए उन्होंने रिट्राइवल करते वक्त उसे क्या हो रहा है, रिट्राइवल करते वक्त उसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है. रिट्राइवल करते वक्त उसे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है. और कभी भी मैंने आपको बताया था जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे जाती है, पहले इनकोडिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है, और फिर आपकी क्या होती है, आपकी यहां पर यूजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, या फिर इसे क्या कह सकते हो, रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो रिट्राइवल में यहां पर वो कह रहा है कि क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है. क्यों प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि जो एनकोडिंग है वो ही स्टोरेज के, अगर बच्चा यहां पर अंडरस्टैंड कर रहा है, जब बच्चा इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा तो वो एचटीएम में पहली बात स्टोर होगी नहीं, और जब वो एचटीएम में स्टोर नहीं हुई तो वो रिट्राइव भी कैसे हो जाएगी, राइट? वो ये क्या कह रहा है, अगर आप यहां पर पढ़ोगे कि रीडिंग एंड री रीडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि बच्चा क्या कर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसे पढ़े जा रहा है, उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि इनकोडिंग नहीं कर पा रहा है. जब इनकोडिंग नहीं कर पा रहा है तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं होगी, और जब स्टोर नहीं होगी तो एलटीएम में रिट्राइव का तो पॉसिबल चांसेस ही नहीं. ऑप्शन नंबर सी, इनकोडिंग इन्वॉल्व द वे इन विच द इंडिविजुअल स्टोर द इंफॉर्मेशन. स्टोरेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज मोर लाइकली इफ देयर इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल, जो कि मैंने अभी आपको बताया. अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं तो वो एचटीएम में भी स्टोर होगी, और एचटीएम से एलटीएम में बहुत जल्दी चली जाएगी. ऑल्दो दिस स्टूडेंट स्टडिंग एंड रीड एंड द लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मे हैव कॉज ऑन इनकोडिंग एरर, राइट? तो यहां पर ये क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर सेवन को हम देखते हैं. फिलिप्स हैव वेरी विविड मेमोरी. देखिए यहां पर एक जो वर्ड आया है वो है आपका विविड. फिलिप्स हैज वेरी विविड मेमोरी, सम ऑफ दीज सम ऑफ विच आर सेंसरी ऑफ द मोमेंट ही लर्न ऑफ द हिज फादर दैट. ठीक है, उसके पास बहुत सारी विविड मेमोरी है, लेकिन जो एक कुछ मेमोरी है उसकी, किसकी, आपके उसके फादर की डेथ की. दीज मेमोरी आर समटाइम ट्रिगर, और ये मेमोरी कई बार क्या हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है. व्हाट टाइम ऑफ द मेमोरी इज फिलिप एक्सपीरियंस. तो देखेंगे यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन बताए. जब भी आपके पास कोई भी ट्रॉमेटिक केसेस हो, कोई भी आपका ऐसे विविड मेमोरी हो, तो या तो आपका होता है फ्लैश बल्ब, और दूसरा होता है आपका रिप्रेस मेमोरी, राइट? तो लेकिन यहां पर रिप्रेस ऑप्शन नहीं है, यानी कि फ्लैश बल्ब इसका आंसर हो गया पहली बार. वाई ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी नहीं होगी. ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आपकी विविड नहीं होती है, इस चीज का आपको याद रखना है, राइट? फ्लैश बल्ब मेमोरी जो होती है वो आपकी विविड होती है. ओके, तो फ्लैश बल्ब मेमोरी इज द राइट आंसर. इसकी एक्सप्लेनेशन देख रहे थे. फ्लैश बल्ब मेमोरी इज द वन दैट इज वेरी विविड. देखिए मैंने यहां पर ही बताया था आपको, ऑफन अराउंड इमोशनली चार्ज इंसिडेंट. और ये अधिकतर कहाँ रहती है, जब आप इमोशनली काफी ज्यादा हो कोई इंसिडेंट के साथ. फ्लैश बल्ब मेमोरी आर नोन टू फ्लैश इन पीपल माइंड व्हेन दे आर रिकॉल्ड. और जब भी वो उन्हें याद करते हैं अचानक से एकदम उनको क्या लगता है,
फ्लैश लगता है, जैसे कि उनके आंखों के सामने एकदम से लाइट जला दे। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी इंक्लूड पीपल पर्सनल हिस्ट्री बट डू नॉट इन्वॉल्व विविड फ्लैशिंग, राइट। यहाँ पर देखिए दोनों में ये फर्क है कि जो ऑटोबायोग्राफिकल आपकी मेमोरी होती है वो इंडिविजुअल की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में तो बताती है, लेकिन विविड फ्लैशिंग के बारे में वो बात नहीं करती है, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हुआ है मेमोरी और लर्निंग। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, वीडियो एंजॉय करी है, कुछ सीखे हैं, कुछ भी नॉलेज मिली है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबकी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। सो गाइज वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉर्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।